हेलो गाइस, आज आपके मित्र गण आ चुके हैं। बज रहे हैं शाम के 6, बहुत हो रही है आज, मौसम बहुत ख़राब हुआ है शिमला में। देखो तो हम सोच रहे थे कि सही जगह हमें पता लगी है। ये मेरे साथ अंकित, हेलो, इसको एक जगह के बारे में पता है, तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है, सामान देख के पता लग जाएगा, पीछे देखिए। मस्त प्लान है। बाकी एज यूजुअल बताते हैं आपको रास्ते पे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि भाई शाम का टाइम है, तो डर कैसा होता है मन में, और जब हम ऐसी जगह में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को प्लान करनी पड़ती है, जिसके लिए टाइम बहुत चाहिए, जो टाइम हमारे पास कम होता है। तो यार चलते हैं, शुरू करते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है माउंटेन क्रॉनिकल्स में। जाम डॉज करते हुए और सब कुछ करते हुए यहाँ पहुँच गए। यहाँ हमारे को मिल रहे हैं कुछ लोग। अब हमने करनी है सेटिंग, लोगों को बिठाना है, देखते हैं कैसे बिठाते हैं। हाँ जी, आ जाएगा, ये अपने रास्ते पहुँच चुके हैं हमारे। आ जाएंगे बंदे, क्यों है? आ जाएंगे बंदे, इसको सेट कर लेते हैं, इसको इसको गाड़ी रखने भेज देते हैं। ठीक, मैं और अंकित पूछते हैं। बोलो इनको, बोलते रख दो गाड़ी, दे जा बोल गाड़ी। डिसाइड हो गया भाई कि इन्होंने गाड़ी ले जानी है, ये बंदों को बैठ गए। बढ़िया सेटिंग होगी सामान के साथ। अब हम वेट कर रहे हैं अपने बंदे का, एक और बंदा आएगा हमारा, थोड़ा काम कुम करने वाला। फिर क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है, थोड़ी ठंड पड़ रही है तो गर्म करने वाला सामान चाहिए फिलहाल। तो चाय की बात ये कर रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। देखो अभी जाके हम कहीं पे ढूंढेंगे चाय की टपरी, अच्छे से चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। फिर हमारा है सबसे पहला मोटिव लकड़ियां इकट्ठी करना जी, और सबसे बड़ा टास्क आज रहेगा, रास्ते से चख लेंगे नहीं तो। सबसे बड़ा टास्क आज रहेगा लकड़ियां सूखी हमें मिलनी नहीं है, गिल्ली में आग लगानी है। बारिश है आज, वैसे बारिश हुई भी है, गिल्ला हुआ हुआ है, तो सबसे बड़ा टास्क है आज। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है भाई जी। A few inches later, ये भाई जी ठंड गरम के लिए, ठंड बहुत हो गई, चाय कर रहे हैं, आग भी मिल गई है। ये टायर टप्पा चेक हो रहा है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो रात को। थोड़ा सा भूख लगी है इनको, तो ये स्नैक्स में क्रीम रोल खा रहे हैं। हिमाचल के शान क्रीम रोल कब बनी? और ये रहा मित्रा दा ढाबा, चुस्कियां पहाड़ों में, सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, मजा आया भाई। स्क्रीन ऑफ करके ये रिकॉर्ड करता है, बैटरी सेविंग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, पकड़ मेरे को जानता पर कट हो जाए। तो चाय की मजा ले रहे हैं, एक घंटे का सफर अभी और है, 1.5 घंटे का। उसके बाद भाई हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, थोड़ा सेटअप करना है, देखते हैं क्या माहौल है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। तो जनाब हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में, थोड़ा सा और रह गया हमारे को जाने को। और आगे जाना है, अभी ले आया है भाई लकड़ियाँ। ये बहुत फ़ायदा होता है अगर आपके साथ थोड़े लोग हों तो, आपको ज़्यादा भसड़ नहीं होती है, लोग मिल गए कुछ तो आगे। ये देखो जवानों ने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है हमारी, देख लेते ना कुछ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आए भाई हम चेक करके। ये देखो लोकेशन हमने ये फाइनल की है, अभी बाकी देखते हैं। यहाँ पे हम टेंट लगाएंगे जहाँ पे सफाई कर रहा है। सही बात, एरिया चेकआउट करके आपके साथ। दोस्तों अब हम थोड़ी सी आग जला लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। अभी यहाँ इस जंगल में कोई नहीं है, काफ़ी ठंड है आज, ओले पड़े हैं। हमने कर दिखाया इसकी मदद से, और दूसरा थोड़े बंदों की मदद से।
वेरी गुड जॉब, चलो भाई आगे। अरे पति, लो जी असला आ गया। ये तस्करी करते हुए रात को बंदे भाई पहाड़ों के जंगलों में रात को। बहुत मशक्कत की है लड़कों ने भाई, बहुत मेहनती लड़के हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। दाद देनी पड़ेगी भाई बंदों की। बहुत ही बढ़िया। तो मित्रों अब हम पानी थोड़ा गर्म करने वाले हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाँ जी, तो देख सकते हैं आग जल चुकी है। इस पे अब हम पानी गर्म कर रहे हैं पीने के लिए। दोस्तों ये रात ना खत्म होती नजर नहीं आ रही है, तो फिर हमें एक और छोटा सा पीस काटना पड़ रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यहाँ पे हम कोई नया पेड़ नहीं काट रहे जी, सूखे वैसे जड़े हैं वो काट रहे हैं। जलेगा है फुल पावर। आखिरकार हमारी जीत हुई, बुराइयों पर अच्छाई की जीत। काफ़ी मज़ा आया भाई रात को, गाड़ी में हम सोए, आग हमने जला ली थी, लकड़ियाँ हमें अच्छी अच्छी मिल गई थी और सुबह भी काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पे। काफ़ी मस्त है यहाँ पे माहौल है यार, और शांत जगह है, और दोस्तों के साथ तो अलग ही फीलिंग है भाई। संडे का कैंपिंग का जुगाड़ बहुत सही है। बंदे सुबह सुबह तैयारी में लग गए हैं, सेटअप करने लगे हैं, और एक और बसड़ हमारे साथ हो गई थी कि हमारा एक्चुअली टायर की हवा बैठ गया था टायर, और तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यार, यहाँ कूड़ा बहुत फैलाया हुआ बंदों ने। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो हमने सोचा क्यों ना कूड़े को जला दिया जाए, ताकि अगली बार बंदे आए तो थोड़ी साफ सफाई हो यहाँ पे। यहाँ पे अभी राष्ट्रा सर की बात हो रही थी एक बंदे से, जैसा मैंने आपको बताया। वो उसने जो बताया, उसने बताया कि ये जो जगह है, ये जगह मशाना नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर जो है पहले शमशान घाट था, ठीक है, और यहाँ पर उठान के देवते जी का चौरा बोलते हैं स्थान, जहाँ पे वो बैठते हैं, वो है यहाँ पर। ये जो उन लोकल लोगों ने हमें बताया यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, इसलिए वो लोग भी यहाँ पे ज्यादा आते जाते नहीं और ज्यादा टोकते भी नहीं है, क्योंकि बोला ऊपर वाला खुद करेगा उनका हिसाब। खत्म, ऐसी ऐसी कुछ कहानी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। यहाँ पर इस तरह का उपद्रव ना फैलाए जी। मजा आया।